वेल well, इस मॉड्यूल uh, में वी आर गोइंग टू डिस्कस दक्चर एंड फंक्शन ऑफ दिल आई और विल आई को हम इससे पहले हम जिक्र तो करते रहे लेकिन यहाँ पर हम ज़रा कुछ थोड़ा सा डिटेल देखते तो विल आई कहाँ लोकेश लोकेटेड है और ये इंटस्टाइन की अंदरूनी लाइनिंग अंदरूनी जो कैटी है उसमें प्रोजेक्ट करते हैं दी द फिंगर लाइट प्रोजेक्शंस और और ये बिल्कुल ऐसे समझें कि जैसे एक पाइप है और इसके अंदरूनी तौर पे हमने टॉवल लगा दी है तो वो जो शकल बनेगी वो भी इसी इंटेस्टाइन की जिसकी अलॉन्ग है तो ये इसकी लेंथ दैट इज़ अबाउट पॉइंट फाइव टू वन मिलीमीटर द टू स्मॉल यानी हम बहुत ही हार्डली वी कैन सी इट विद दायट So they are known as villi, which extend into the intestinal lumen. They are available for the nutrient absorption. Or products of digestion absorb Now each villus that contains a capillary bed. And uh, is capillary bed के venules hain. arterioles Arterioles they divide and redivide to form the capillaries. फॉर्म फॉम दिन और फिर ये हर, हर विल्लस में से हर विल्लस में से निकलती है और वो फिर एक मेन वेन बनती है जो कि फिर, फिर हार्ट की तरफ वो करती है तो और इसके अलावा इसके अलावा इस विल्लस के अंदर सेंट्रली लोकेटेड ए सेंट्रल लेक्टियल ये एक और ब्रांच है जो कि लेक्टियल सिस्टम से है जो कि और इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पर्टिकुलरली इन फैट डाइजेशन सो द विज अलाउ गोज एंड अमीनो एसिड्स ये इसके अंदर जो ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स की एब्जॉर्बशन जो है वो तो डायरेक्टली ब्लड में चली जाती है लेकिन जो फैटी एसिड्स हैं और ये फिर या फैट्स जो हैं दे आर एब्जॉर्ब्ड इन टू दिस लेक् सो दे आर एबजॉर्ब डायरेक्टली इन टू द ब्लड स्ट्रीम वाइल्ड प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड्स लिपिड के ब्रेकडाउन क्या है फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल नाउ दे आर अब्सॉर्ब्ड इनटू द लिम्फैटिक सिस्टम वाया द लैक्टियल्स तो लिम्फैटिक सिस्टम में फर्स्ट ये अब्सॉर्प्शन होती है और वहाँ से फिर ये अगेन दे आर पोर्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम दैट इज इन द इन द सबक्लेवियन वेन में जाके नाउ द माइक्रोविलाई क्या है माइक्रोविलाई जो हैं दीस आर दी Use some are cell key membrane key extensions hai, in the form of a, a brush. So the uh, mucosal epithelial cells, mucosal epithelial cells have thin hair-like extensions which are about one micron meter or one micron meter you have that means one thousandth part of a millimeter. They are too small, yea, hardly they can be seen with a high magnification of the microscope or uh, they are uh, obviously they are moving they are present in the lumen of the intestine now these tiny projections are known as the microvilli and these are approximately 200 million that is uh, of them per one millimeter that is substria Agar 8 millimeter that is 8 millimeter lumbre 1 millimeter choda hoga to uski andar ye microvilli ki jo

ब्रश बॉर्डर क्योंकि ये बॉर्डर जैसे ब्रश है बहुत ही फाइन ब्रश उस तरह का ये स्ट्रक्चर बन जाता है ना फिक्स ऑन द सर्फिस इसी माइक्रोवेलाई के सर्फिस के ऊपर फिर एनजाइम्स हैं दीरीज ऑफ एंजाइम्स दैट फिनिश दर इज केमिकल डाइजिश और ये वो एनजाइम्स हैं जैसे में हमने पिछले प्रीवियस मॉड्यूल्स uh, uh, के अंदर भी जिक्र किया था तो ये एनजाइम दे रेस्ट ऑन टू दीज माइक्रोविलई और uh, फिर जो जो मॉलिक्यूल्स हैं बिगर मॉलिक्यूल रेलिटिवली मॉलिक्यूल जैसे डाइसेक्राइड हैं वो इसके पास आएंगे और वो फिर ये एंजाइम जो उसको फिर ब्रेक डाउन कर देगा यानी उसको डाइजेस्ट कर देगा फर्दर तो डायग्रामेटिकली हम इस डायग्राम में आप देखें फर्स्ट कि ये एक थ्री डायमेंशनल ये स्मॉल हिस्सा है इंटेस्टाइन का जिसके अंदर ये माइक्रोविल्लाई शो किए गए और हर माइक्रोविल्लस के अंदर देर इज ए ब्लड सप्लाई जैसे ब्लड सप्लाई और ये एक माइक्रोविलस को इलाज करके दिखाया गया है जिसके अंदर ये रेड जो है दिस इज ब्लड विच इज दर्टीरियल ब्लड और ब्लू दैट इज द वेनस ब्लड और इसके अंदर ये जो है दिस पार्ट ऑफ इट इट इज अ अक्टियल ऑफ लिफेटिक्स जिसका जो कि फिर लिफेटिक्स सिस्टम का हिस्सा है और यहाँ पे ऑप्शन होगी फैट्स की और uh, इस ब्लड के अंदर एब्जॉर्शन होगी अमीनो एसिड्स की और ग्लूकोज पॉलिक्यूल्स की या फिर मोनोसेक्राइड्स की सो दिस इज द डिटेल ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द विलाई विच इज प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर एबजॉर्बिव पर्पजेस। सो दिस इज ऑल अबाउट